प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। 8 साल हो गए उन बातों को, 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। इस दौरान इस आदेश को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमें हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और उनके उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता ने। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा आज के आदेश के बाद। बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की ज़रूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। तो व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। तो पूरे सिस्टम को और ऑफिसर्स को और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव बनाया जाएगा। एक लीन एंड थिन गवर्नमेंट तैयार की जाएगी। लीन, थिन, रिस्पॉन्सिव, कंपैशनेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ये हम चाहते हैं। दिल्ली, जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया, अब एक ऐसे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल हम
जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे। मैं देखता हूं कि कई ऐसी पोस्ट्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उनमें कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बैठ के जनता की चार अड़चने ही लगाता है, अगर वो ना रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसी पोस्ट्स को चिन्हित करके या तो उन्हें खाली छोड़ा जाएगा या उन्हें अबॉलिश कर दिया जाएगा। जहां जहां ज्यादा पोस्ट्स की जरूरत है वहां ज्यादा पोस्ट्स क्रिएट की जाएंगी, जहां जहां लोगों को जरूरत है वहां ज्यादा पोस्ट, जैसे अब इतने मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं तो जब डॉक्टर्स की जरूरत है पैरामेडिक्स वहां और क्रिएट किए जाएंगे।